हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुरमुरा के लड्डू बनाने की रेसिपी। तो इनको मुरमुरा और इनको लाई भी बोला जाता है। तो सर्दियों के मौसम में आप ये लड्डू बना सकते हैं और इनको इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही कम सामान में बन कर के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आइए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 कप लाई ली है। मैंने कप से मेजरमेंट किया था और मैंने 2 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, जिससे कि जब हम चाशनी बनाएं तो ये गुड़ बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाए। तो अब हम एक कढ़ाई रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए और मैंने एक छोटी चम्मच यहाँ पर घी डाल दिया है। तो अब हम इस लाई को थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाएगी और जब हम लड्डू बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और इसमें फिर से मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे और गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। ऐसे हम चलाते रहेंगे और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो जो थोड़े बहुत टुकड़े हैं गुड़ के, उन्हें हम दबाते रहेंगे इससे, तो गुड़ जो होगा वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। बस गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें ये लाई डाल देंगे और इसको अच्छे से गुड़ में हम मिला देंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे इस तरीके से चलाते हुए मिला देंगे। तो मैंने लाई को गुड़ में मिला दिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ही ठंडा करना है और इसके लड्डू बनाने हैं। तो मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, तो हथेलियों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। इसको गरम गरम में ही लड्डू बनते हैं, अगर हम इसको ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। पानी लगा लेंगे थोड़ा सा हथेली में और दबाते हुए हम लड्डू का शेप दे देंगे। आप पानी की जगह घी भी लगा सकते हैं। इसी से प्रोसेस से हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। तो मैंने अपने सारे लड्डू बना लिए हैं, काफ़ी क्रिस्पी लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन लड्डुओं को बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।